नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। फरुखाबाद के प्राथमिक विद्यालय परमापुर के प्रधानाध्यापक ने शराब पीकर मचाया उत्पात, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। खंड शिक्षा अधिकारी ने कराई जांच, निलंबन के आदेश। अमृतपुर थाना क्षेत्र के गाँव परमापुर के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक अनंत राम पुत्र गौरीशंकर निवासी बलीपट्टी रानी गाँव के बताए जा रहे हैं। सहायक अध्यापक विश्व प्रताप शिक्षा मित्र छठ पूजा की छुट्टी पर थी। ग्रामीणों के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को फोन कर सूचना दी गई कि प्रधानाध्यापक शराब पीकर विद्यालय में बिना कपड़ों के लेटे हुए हैं। बच्चे स्कूल से घर के लिए भाग गए। रसोइये के द्वारा बताया गया कि मैंने खाना पकाया, लेकिन प्रधानाध्यापक के उत्पात को देखते हुए बच्चों ने खाना भी नहीं खाया और चावल उठाकर फेंक दिए। ABSA अनूप कुमार ने बात की तो उन्होंने बताया कि ARP फूलचंद को भेजकर मैंने जांच कराई है और प्रधानाध्यापक को 2 दिन पहले नोटिस भी दे दिए गए थे। अब इन पर निलंबन की कार्यवाही होगी। उपजिलाधिकारी पदम सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा फोन पर सूचना दी गई कि एक अध्यापक विद्यालय के अंदर उत्पात मचा रहा है। थाना अध्यक्ष को सूचित कर दिया गया है। मैं तुम्हारा अमरीश कुमार। अच्छा, क्या समस्या है जो प्रधानाचार्य शराब के नशे में घूम रहे हैं कि आप लोग बता रहे हैं? समस्या है, प्रतिदिन देखता हूँ। कभी कभी बच्चे डर के भाग जाते हैं दारू पी के। मान लीजिए कभी कभी तो रोज भी दारू पी के आते हैं। अच्छा। लेकिन कभी ज्यादा कभी कम। आज अच्छा। इतनी दारू पी ली है कि समस्या बहुत ज्यादा ही बढ़ गई और बच्चे भी घबरा गए हैं और इधर उधर कच्छा उतार के पैंट उतार के और इधर उधर घूम रहे थे और स्कूल में लौट रहे थे और बच्चे भाग गए इसीलिए देख के। अच्छा। तो क्या आए दिन ऐसी शराब पीते हैं? आए दिन ऐसी शराब पीते हैं। पौवे भी पड़े रहते हैं, कभी कभी लड़कों ने देखा है। अच्छा, इस शिक्षा के मंदिर में गुरुजी शराब पी कर आते हैं? हाँ जी। अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया? नहीं किया गया। तो खाना पड़ा हुआ है, ये क्यों फेंका गया है? अब बच्चे डर की वजह से भाग गए, बच्चों ने खाया ही नहीं। अच्छा, बच्चों ने खाया नहीं तभी फेंका किसने? माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर AK राजपूत। बलरामपुर में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह का जनपद बलरामपुर प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। दिनेश प्रताप सिंह को देवीपाटन मंडल का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। 2 दिवसीय दौरे पर जनपद पहुंचे प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप ने देवीपाटन मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद पार्टी कार्यालय अटल भवन पर जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री का बुगे व अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हुए कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जनपद के समुचित विकास के लिए जो भी संभव हो सकता है किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग द्वारा तमाम योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, जिनका सभी को उचित प्रकार से लाभ मिले इसका प्रयास किया जा रहा है। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी CC रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000। उत्तर प्रदेश के बरेली में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कैलाश क्षेत्र के बाकरगंज खंड पर कूड़ा निस्तारण प्लांट लगा है, उसकी टीन उड़कर पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में महिला के ऊपर गिर गई, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगर निगम द्वारा बाकरगंज में खंड पर कूड़ा निस्तारण के प्लांट लगा हुआ है। आज सुबह हवा से उड़कर पड़ोस वाले घर में महिला के ऊपर गिर गया, महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पड़ोस की रहने वाली महिला ताहिरा ने बताया कि घर के पास में कूड़ा निस्तारण का प्लांट लगा हुआ है। आज सुबह तेज हवा चल रही थी, प्लांट की टीन उड़कर फिरदोस के घर में गिरी। फिरदोस आंगन में बैठी हुई थी, उसके ऊपर गिर गई, जिससे 30 वर्षीय फिरदोस पत्नी इसरार गंभीर रूप से घायल हो गई। पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद यावर और ताहिरा ने फिरदोस को जिला अस्पताल पहुंचाया। टीन गिरने की सूचना मिली। नगर निगम की टीम के साथ स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार साथ में जिला अस्पताल पहुंचे, मरीजों का हालचाल जाना।
घायल महिला जिला अस्पताल में भर्ती है, इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा है। पड़ोसी हैं। कैसे चोट लगी? ये अपने घर में थी, नगर निगम की टीनें पड़ी, वो घर आंगन में खड़ी थी, उधर से पलट के आई, इनके सर पर ही गिर गई। नगर निगम की कमरे बने हुए जी। हाँ, प्लांट है, प्लांट की। ये पीछे साइड में रूम बने इन लोगों के रहने के, तो उसमें लेबर रहती है, उस पर कुछ सामान नहीं थी कि ऐसी सपोर्ट नहीं थी कि वो टीनें रुक सकें, हवा चली तो सारी टीनें इनके रूम में पलट के गिर गई। घर में इनके ये वहीं पे खड़ी हुई थी, ये तो शुक्र है कि कई लोग थे वहाँ पे, बच गए सब, लेकिन इनका सर जो है फट गया। फिरदोस टीनें निगम की हैं जी। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बरेली में बेजुस ट्यूशन सेंटर सिविल लाइन बरेली का उद्घाटन महापौर उमेश गौतम द्वारा किया गया। बेजुस द्वारा बरेली में ये पहला सेंटर है जहां पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की कक्षाएं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा कक्षा 4 से 10 तक के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है तथा बेजुस द्वारा मेघावी छात्रों को उनकी मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाती है। बेजुस ट्यूशन सेंटर के प्रबंधक संजय शुक्ला एवं जोनल मैनेजर फजल उर्फी के द्वारा महापौर उमेश गौतम का स्वागत किया गया एवं सेंटर का भ्रमण दानवीर सिंह यादव, अनुकरण सक्सेना एवं शिवम दुबे द्वारा कराया गया। देखिए, बायजूस अभी तक ऑनलाइन एजुकेशन में थे, लेकिन अब ऑफलाइन मोड में आ गए हैं और पूरे देश में 500 सेंटर खुल रहे हैं और बरेली भी उन शहरों में से एक है। यहाँ पर बायजूस का ट्यूशन सेंटर खुल गया है, आज उसका इनॉग्रेशन हो गया है, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ शुक्ला जी को, सेंटर हेड हैं, और यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स को, सारे लोग जो बरेली को एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर से जो 4th से लेके और 10th तक के हैं, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा रहे हों, फिर भी बच्चे को एजुकेशन के लिए कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में बायजूस जैसी कंपनी, उनके पास एक बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस होता है और यहाँ जो उनके टीचर हैं वो भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, और वो अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो जो बेसिक उसकी एजुकेशन है उसकी नींव काफ़ी मजबूत होगी। इसके लिए मैं बायजूस के सभी पदाधिकारियों को, उनके जो सेंटर हेड हैं शुक्ला जी, और सारे टीचर्स को बहुत बधाई देता हूँ, और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बायजूस सेंटर बरेली में सफलता के परचम छुए। देखिए, उनकी बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जैसा मुझे उन्होंने बताया है, तो आम आदमी तक निश्चित रूप से पहुंचेंगे, और कोई भी परिवार हो, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन की बात होती है, तो कोई भी माँ बाप कैसा भी करके वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि अगर वो पढ़ाने में खर्च कर देंगे तो बाद में उसके काम के लिए या उसकी जॉब के लिए उन्हें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और वो निश्चित रूप से बच्चा सफल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सभी को शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपके पास स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, यहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्री है, उनका CSR फंड होता है। मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा बायजूस के लोगों से कि उनसे भी बात करके रखें, कभी कोई ऐसा परिवार आता है तो उसकी ज़रूर मदद करें। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का अनुभव है आपका बरेली में? देखिए, अनुभव बहुत अच्छा है बरेली में। बरेली एक ऐसी सिटी है जो अगर हम देखें यूपी के अंदर में तो तरक्की करती हुई सिटी है। यहाँ का जो स्टूडेंट बेस है वो बहुत अच्छा है, और हमारा एज अ बायजूस मानना है कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, जिसमें हम लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे। अभी तक जो बायजूस था हमारा वो ऑनलाइन शिक्षा में ज़्यादा था,
बट अब क्योंकि हम लोग ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन एजुकेशन में भी आ चुके हैं और ये जो सेंटर है ये ऑफलाइन एजुकेशन के लिए ही है. सो हमारा पूरा मकसद जो रहेगा वो बच्चों की एजुकेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करने का रहेगा. इस समय सर कितनी फैकल्टी हैं यहाँ पे, किस तरीके किन सब्जेक्टों पे फोकस है आपका? सर फैकल्टीज़ की अगर हम बात करें तो करीबन 8 फैकल्टी मेंबर हैं अभी हमारे पास में जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं. और जो हमारा मेन जो फोकस एरिया रहेगा बच्चे के एजुकेशन के लिए वो मैथ और साइंस को लेकर रहेगा, जिसमें हमने देखा है कि ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं थोड़ा सा जो उनका एक वीक एरिया होता है वो मैथ और साइंस को लेकर ज़्यादा रहता है, तो उन सब्जेक्ट पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे. ऑनलाइन से ऑफलाइन आना कैसा अनुभव है आपका? देखिए हमारा अनुभव तो अपनी जगह है, लेकिन उससे ज़्यादा अनुभव जो हमने अभी तक बात करी है, जो परिवारजन हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, अगर उनके अनुभव की बात करें तो उनका अनुभव बहुत अच्छा हमारे साथ में रहा है. वो जिनसे भी हमने बात करी उन सभी लोगों ने अभी तक हमें एनकरेज किया है कि ये जो चीज़ हो रही है ऑनलाइन से जो आप ऑफलाइन में आ रहे हैं ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है जी. थैंक यू. माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद. डायरेक्टर डॉक्टर एके राजपूत. नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में. मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा. फिरोजाबाद जिले के थाना मक्खनपुर क्षेत्र के अंतर्गत गांव जेबड़ा में रात खेतों में सौंच को जा रहे एक युवक की बिजली के पोल की खींच में करंट आने से मौत हो गई. युवक की मौत की जानकारी होते ही परिवार में चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने पीड़ित युवक के परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है. अजीत कुमार उम्र 22 वर्ष पुत्र रामचरण यादव निवासी जेबड़ा थाना मक्खनपुर नोएडा में कार ड्राइवर था. वो कल अपने घर आया हुआ था. रात्रि में 3:30 बजे के करीब वो खेतों में सौंच को जा रहा था, तभी खेतों में लगे पोल की खींच में करंट लग गया जिससे चीख निकल गई. इससे वो अचेत हो गया. गंभीर हालत में गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए. जब तक ग्रामीण समझ पाते तब तक अजीत की मौत हो गई थी. ग्रामीणों ने बताया कि वो घर में दो भाइयों में सबसे बड़ा था. उसकी एक बहन सोनी थी जिसकी शादी हो चुकी है. घर में अकेला कमाकर परिवार का भरण पोषण करता था. मृतक के पिता रामचरण और मां बिमलेश, भाई रंजीत और बहन सोनी का रो रो कर बुरा हाल है. वहीं ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है. सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिरोजाबाद भेज दिया है. 2:30 पर ये लैटरिन के लिए गए थे. क्या बजे गए थे ये? 2:30 ठीक है. फिर क्या तो मालूम पड़ी? वहाँ पर सामने मकान था तो उन्होंने जब सूचना उनकी चीख सुनने पर आवाज़ दी तो वहाँ अरुण नाम के थे उन्होंने आवाज़ दी. फिर शोरगोल हुआ, हम लोग सब पहुँचे. पहुँचने पर हमने देखा तो विद्युत तार से वो हमें जमीन पर डली मिली. ये किस पे करंट आ रहा था? ये जो जमीन से तार लगे हुए थे उससे विद्युत में से तार आ गया. खेत में गाय के लिए रोकने के लिए तार लगाए थे. इसकी सूचना भी कभी दी थी विभाग को? जी साहब, इसकी सूचना क्या देते थे तो गायों के लिए व्यवस्था कर दी है किसानों ने. इसका क्या नाम है? ये अजीत नाम था. इसमें कितने भाई हैं? कितने बहन हैं? दो भाई हैं. ये बड़े? ये बड़ा था, इससे छोटा हो रहा है. क्या करते थे ये? ये ड्राइवर करते हैं साहब, गाड़ी अपनी स्वयं चलाते. यहाँ पर कौन कौन आया? अभी कोई आया बिजली विभाग से? कोई कब्जा? अभी तो साहब कोई नहीं आया. पुलिस मौके पे है? हाँ जी, पुलिस मौके पे है. कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी. अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है. पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है. हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है. पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद. निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी. आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट. हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है. राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र बजरंग नगर हनुमान मंदिर के पीछे जलेसर रोड फिरोजाबाद. डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप.
उत्तर प्रदेश में जहां पूरे देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा था, तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले के निघासन कोतवाली की पुलिस ने पत्रकार के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी। थर्ड डिग्री देकर बेरहमी से पिटाई कर दी। पत्रकार ने सीओ से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चलें, दरअसल कोतवाली क्षेत्र के लुधोरी निवासी विकास दीक्षित अटल नाम के पत्रकार को पुलिस ने पत्नी के मामूली विवाद के आरोप में घर से पकड़कर थाने लेकर गए और वहां जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में आक्रोशित ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के संगठन के माध्यम से मितौली तहसील के पत्रकारों द्वारा उप जिला अधिकारी मितौली के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर पत्रकारों ने कार्रवाई की मांग करते हुए सीवीसी आईडी जांच की मांग की है। ये विकास दीक्षित जो पत्रकार निघासन में पुलिस द्वारा जो पिटाई की गई है, उसकी हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं और दोषी पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किए जाने की मांग करते हैं। बाद में जो निघासन पुलिस के द्वारा पत्रकार विकास दीक्षित के साथ थर्ड डिग्री देने का काम किया गया है, उसकी पत्रकार जगत घोर निंदा करता है और आज देश के पत्रकारों में आक्रोश है, पत्रकारों में उबाल छाया हुआ है। यदि दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती है। और निघासन पुलिस द्वारा जो विकास पत्रकार है विकास नाम, उसके साथ घोर पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया है, उसके संदर्भ में एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है और पत्रकार जगत में उस घोर निंदा कर रहा है पत्रकार जगत। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है। पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है। पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दाल मिल पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। खबर एमपी के बैरसिया जिले से है, जहां आपको ज्ञात होगा कि विक्रम बालेश्वर गुर्जर वार्ड क्रमांक 8 से जिला पंचायत सदस्य भी हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। अब विक्रम बालेश्वर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मेरी धन्यवाद यात्रा चल रही है और मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक मेरी धन्यवाद यात्रा सफल नहीं होगी, मैं जब तक चप्पल नहीं पहनूंगा। जब मेरी पूरे क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा सफल हो जाएगी, तभी मैं चप्पल पहनूंगा। और विक्रम बालेश्वर ने कहा कि मुझे छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक विक्रम बालेश्वर के नाम से जानते हैं और मैं गरीबों के हित में तत्पर रहूंगा। विक्रम बालेश्वर बैरसिया ब्लॉक के छोटे से कस्बा के रहने वाले ग्राम भमौरा के हैं। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781100। बरेली में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर पुलिस के सभी उच्च अधिकारियों ने एक साथ मिलकर तिरंगा रूट मार्च का आयोजन सोमवार को शाम 6 बजे शहर कोतवाली से नवलती चौराहा, इस्लामिया मार्केट, बिहारीपुर, किशोर बाजार, बिहार बस्ती होते हुए चौपला पर समापन किया गया। बरेली जोन के अपर पुलिस महानिदेशक राजकुमार ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पुलिस के सभी जवान व अधिकारी तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव हम सभी मना रहे हैं। तिरंगा जो हमारे राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, हम सभी उसके लिए सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज बरेली शहर में बरेली पुलिस के सभी जवान और अधिकारी तिरंगा रूट मार्च निकाल रहे हैं। कोतवाली सिटी से चौपला चौराहे तक का ये रूट हम लोग का रहेगा। कोतवाली सिटी से चौपला की तरफ
संदेश यही देने की कोशिश है। 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता दिवस की, उसको लेकर हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं और तिरंगे का जो राष्ट्र गौरव का प्रतीक है उसके प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं और आम जनता को ही संदेश दे रहे हैं कि हम स्वतंत्रता दिवस और ये अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम सौहार्दपूर्ण माहौल में, उत्साहजनक माहौल में मनाएं हम लोग। धन्यवाद धन्यवाद। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बरेली के थाना किला की गड़ी चौकी क्षेत्र में दिन दहाड़े लुटेरों ने किन्नर गुरु के दूसरे घर में लूट कर ली। घटना की शिकायत थाना किला में की गई है। पीड़ित ने लूट का आरोप किराएदार पर लगाया है। उधर पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है, हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित किन्नर रजनी ने बताया कि वो 15 अगस्त को पीलीभीत के मझोला में रहने वाली अपनी बहन के यहाँ गई थी। 16 अगस्त को उसे फोन पर मोहल्ले के गुड्डू ने सूचना दी कि 4 लोगों ने घर में चोरी कर ली है। सूचना पर वो अपने घर आई। रजनी ने बताया कि उसके घर में 40 लाख रुपए रखे थे और जेवर भी था। लुटेरे रुपए व जेवर अपने साथ ले गए। रजनी ने बताया कि उसके घर के कैमरे में अमान परवेज, उसकी माँ, बहन पिछले 3 वर्षों से किराए पर रहते हैं। अमान के अनुसार लुटेरे सुबह 7 बजे घर में दाखिल हुए और 8 बजे निकल गए। अमान ने बताया कि 2 लुटेरों ने उसे व उसकी माँ को तमंचे की नोक पर बंधक बनाकर तीनों के मोबाइल छीन लिए थे और 2 लुटेरों ने उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया है। जबकि अमान की माँ ने कहा कि उसके पास तमंचे लगे हुए थे। हालांकि पुलिस घटना को संदिग्ध मान रही है। SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि प्रथम दृश्यता घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है। आसपास के CCTV कैमरे भी देखे जा रहे हैं। तहरीर आई है, उसी आधार पर जांच हो रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। चोरी की एप्लीकेशन हमारे सामने आई है, जिसमें मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, उसमें करीब 40 लाख की डकैती बताई जा रही है। चोरी की हमारे पास तहरीर आई है और उसमें घटना क्या है, बाकी हम स्थितियों को देखते हुए विवेचना के दौरान बयान लेकर और उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। वो मेरी गुरुभाई है और उसकी जमानत के लिए परेशान सब्जी फिर रहे हैं, जो उसके जेले रह रहे हैं। अब इन लोगों का ऐसा करा जिसका 8-10-12 सब लोग हैं, 10-12 सब लोग हैं। अब इनका सबका दिखाओ, इनका और जितने भी लोग हैं सबका जेवर बेचा। कुछ जो जेल में उनका जेवर बेचा, बेच बाच के सब पैसा इकट्ठा करा था इन लोगों ने, सब पैसा इकट्ठा करके। और इसलिए कहा था कि इनकी गुरु की कैसे करके बाहर आ जाएं, बहुत बीमार हैं, वो बाहर आ जाएं, जेल में हैं, बाहर आ जाएं मतलब। तो इसलिए जो भी उनकी गुरु भाई बैठी हैं, इनका सब जेवर बिक गया, सब पैसा इनने भी इकट्ठा करा और इन्होंने भी करा, सब पैसा इन्होंने करा, सबसे लेते जाओ, इन्होंने सब पैसा करा, अपना सब कुछ बेच दिया, हमने भी बेच दिया अपना सब कुछ, इन्होंने भी सब कुछ अपना बेच दिया, बच्चों ने, चेलों ने, सब बेच के करके पैसा इकट्ठा इसलिए करा कि वो उसकी जमानत हो जाए, वो छुटका आ जाए, कहीं जरूरत पड़े तो हम लोग लगा दें पैसा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर। कम खर्चे में अच्छा इलाज कराएं नवजीवन हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी, अत्याधिक सुविधाओं से युक्त बाधा बेहतर स्वास्थ्य का, डिलीवरी नॉर्मल एवं ऑपरेशन द्वारा कराने की सुविधा है, पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन एवं गुर्दे पेशाब की थैली में पथरी का इलाज दवाइयों द्वारा किया जाता है, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, शुगर, नींद न आना, श्वास फूलना, पेट एवं छाती के रोगों का इलाज कुशल चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है।
पता रेलवे लाइन के किनारे निकट दालमील पैमेश्वर गेट रेलवे पुल के पास नया रसूलपुर फिरोजाबाद। निदेशक श्री राम गोपाल वर्मा जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जय बिहार कॉलोनी गुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त, पादा बेहतर स्वास्थ्य का। पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।